राम राम किसान भाइयों, आपके साथ मैं समर चौधरी, आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। आपको बता दें कि गेहूं की बुआई स्टार्ट होने वाली है, जिसको लेकर साधन सहकारी समिति पर डीएपी का वितरण शुरू हो गया है। तो अगर आप भी डीएपी लेना चाहते हैं तो हम आज आपको बताएंगे कि आपको... राम राम किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि इस वक्त गेहूं की मड़ाई के बाद जो खेत खाली हो गए हैं और उसमें अब गेहूं की बुआई करनी है, तो गेहूं की बुआई करने से पहले आपको उर्वरक की जरूरत होगी, जैसे एनपीके और डीएपी। तो यदि आपको भी एनपीके और डीएपी खरीदनी है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा और उसके लिए आपको किन प्रोसेस से गुजरना होगा। किसान भाइयों, आपको डीएपी और एनपीके की यदि खरीद करनी है तो सबसे पहले आपको श्रावस्ती जनपद के अपने जहाँ भी आप रहते हैं नज़दीकी जो साधन सहकारी समिति है उसका पता लगाना होगा, क्योंकि अक्सर सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं साधन सहकारी समिति है, उसके बारे में सभी किसान भाइयों को पता है। तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी साधन सहकारी समिति का पता लगाना है, जिसके बाद आपको साधन सहकारी समिति पर जाना है। आपको बता दें किसान भाइयों की गेहूं की बुआई के लिए श्रावस्ती जनपद के कृषि विभाग के द्वारा सभी साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में एनपीके और डीएपी उपलब्ध करा दी गई है, जिसका प्रतिदिन वितरण भी किया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने साधन सहकारी समितियों पर जाना होगा, उसके बाद आपको वहां पर बाकायदा लाइन लगाना होगा, जिसके बाद आपका आधार जमा किया जाएगा। और आप यदि डीएपी लेते हैं तो उसके अनुसार रेट ले आपको जमा करना होगा पैसे, और यदि एनपीके लेते हैं तो उसके आधार पर उस हिसाब से पैसे जमा करने होंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि आप आधार जमा करने के बाद आपको यदि एनपीके लेना है तो आपको 1470 रुपये देने हैं, और यदि आप डीएपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1350 रुपये आधार के साथ में जमा करने होंगे। किसान भाइयों, आपको हम ये जो इसका जो इसकी कीमत है वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर साधारण सहकारी समितियों पर हो सकता है कि बिचौली आपसे ज़्यादा पैसे जमा करा लें, इसलिए आपको इन प्रोसेस के साथ में जो मूल्य है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको आधार के साथ में एनपीके लेने के लिए 1470 रुपये देने हैं, और यदि आप डीएपी लेते हैं तो सिर्फ 1350 रुपये देने हैं। उसके बाद बाकायदा लाइन से आपको वहां पर एनपीके और डीएपी जो भी आप सुविधा अनुसार लेते हैं या दोनों लेते हैं वो उपलब्ध हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको किसान भाइयों करना है। हमने आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बताई क्योंकि अक्सर कई किसान भाई होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि डीएपी और एनपीके का क्या मूल्य है और वो उसे कहाँ से खरीद सकते हैं ताकि उन्हें अच्छी उर्वरक मिल सके। तो बस ये इस खबर को दिखाने का मकसद यही था। तो हमने आपको बताया कि आपको यदि एनपीके और डीएपी खरीदना है तो आप साधन सहकारी समिति जाइए और वहाँ पे जो प्रोसेस हमने आपको बताया उसके अनुसार आप ले सकते हैं।